जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों से अब ईडी पूछताछ करेगी। सभी गिरफ्तार आरोपियों को 4 दिनों की रिमांड पर ले जाने का ऑर्डर दिया गया है। ईडी की विशेष अदालत में आज हुई पेशी के बाद न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर आरोपियों को ईडी को सौंपा है। ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार काका ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड का आग्रह कोर्ट से किया था। छापेमारी के बाद ईडी की टीम सभी ईडी कार्यालय लेकर आई। यहां उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सभी की पेशी हुई। पेशी के बाद उन्हें ईडी की रिमांड में सौंप दिया गया। 7 अभियुक्तों से अगले 4 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है इस जमीन घोटाला मामले में आईएएस सभी रंजन को भी ईडी पूछताछ के लिए जल्दी ही बुलाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा। छापामारी के दायरे में झारखंड के 3, बिहार के 1 और पश्चिम बंगाल के 2 ठिकानों को शामिल किया गया है। छवि रंजन फिलहाल समाज कल्याण निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।